है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। इटावा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार रामशंकर कठेरिया ने कहा कि आजम खान जो बोलते हैं बुद्धि से नहीं बोलते, वो जो भी बोलते हैं उसे कोई नहीं सुनता। राजनीति में फिल्मी सितारी प्रत्याशियों की ओर कहा कि हमारे नेता ही असली नेता हैं। इस दौरान गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन है ही नहीं। चुनाव के अगले दिन मायावती और अखिलेश एक दूसरे पर ही आरोप लगाएंगे। मतदान जनता का है कि गठबंधन ज्यादा चलेगा नहीं, ये स्वार्थ के बंधन है, इसी चुनाव में टूट जाएंगे। सांसद के रूठने और टिकट कटने के सवाल पर कहा कि सबको मनाएंगे। इटावा से पार्टी ने एक साल पहले प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लहर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। आजम खान ने एक बयान दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए तो आने वाले समय में दोबारा वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किस बयान से लेते हैं आप इसको? देखिए, आजम खान बोलते हैं बुद्धि से नहीं बोलते, वो क्या बोल देते उसको कोई सुनता नहीं। अच्छा, सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है ये आप किस चुनौती में लेते हैं? ये स्वार्थ का बंधन है और दोनों जानते हैं कि चुनाव के बाद टूट जाएगा, इसलिए दोनों के वोटर जानते हैं कि चुनाव के बाद टूट जाएगा तो क्यों समर्थन करें। अच्छा, आगरा और सर लोग आगरा और इटावा में क्या अंतर पाते हैं आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई अंतर है, बहुत ज्यादा कोई अंतर। लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, इससे बड़ी जीवन में मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है और इस खुशी के लिए मैं आप सब यहाँ के हमारे नेतृत्व के चरणों को अभिवादन करते हुए आप सबके चरणों को अभिवादन करता हुआ। और आपने भी सुना होगा कि जब हम 2009 में पूरे उत्तर प्रदेश में जब 10 सांसद बने थे तब हम आगरा के सांसद बने थे और मायावती जी की सरकार थी, मायावती जी ने हमारा जो है सर्टिफिकेट नहीं दे रही थी, हमने मंडी की दीवार तोड़ करके 10,000 यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अंदर घुसा करके और सर्टिफिकेट छीन करके सांसद बने, एक तो मायावती चाह नहीं रही थी।